नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 11 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से होगा ऑनलाइन आवेदन। पंचायत चुनाव को लेकर 12 अप्रैल को अब होगा फैसला। बिहार सरकार ने किया केंद्र से 15 लाख अतिरिक्त कोविड वैक्सीन की मांग। प्रवासी मजदूरों को अब रोजगार देगी बिहार सरकार। बिहार में अब पहली बार होगी दाल की सरकारी खरीद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी चयन आयोग ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए नोटिफिकेशन की जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन अब मई के पहले सप्ताह में जारी करने का फैसला सुनाया है। इसको लेकर कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर नोटिस जारी कर महत्वपूर्ण सूचना दी है। एसएससी कैलेंडर के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जीडी कांस्टेबलों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 25 मार्च को ही जारी किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे जारी नहीं किया जा सका। कैलेंडर के मुताबिक एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन 2 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 के बीच होना है। हालांकि एग्जाम शेड्यूल को लेकर डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3000 के पार। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना के मामले बेकाबू होते जा रहे हैं। बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 3469 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 279473 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो पटना में 1431 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही गया में 310 और मुजफ्फरपुर में 183 मामलों की पुष्टि हुई है। के साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर ठीक हुए मरीजों की बात करें तो 822 मरीज ठीक हुए हैं और अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 265870 पर पहुंच गई है। बिहार में रिकवरी दर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बिहार में वर्तमान समय में रिकवरी दर की बात करें तो यह दर 97.13% दर्ज की गई है। इसके साथ ही अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 11998 पर पहुंच गई है। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अशोक धाम मंदिर का नाम सबसे ऊपर है, जिसे इंद्र देवेन स्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बनने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बात 7 अप्रैल 1977 की है। अशोक नाम का चरवाहा प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाया करता था। एक दिन गिल्ली डंडा खेलने के क्रम में उसने एक विशाल शिवलिंग को धरती के अंदर पड़ा देखा। उसने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे जरा सा भी हिला नहीं पाया, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तभी से इस मंदिर का नाम अशोक धाम मंदिर पर गया है। 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया। ईवीएम मामले में 12 अप्रैल को होगी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव की घोषणा सिर्फ ईवीएम को लेकर अटकी हुई है। इस पर अगले 2 दिन में मामला साफ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में ईवीएम से पंचायत चुनाव करने की राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर 12 अप्रैल को पटना में सुनवाई की जाएगी। इस क्रम में ईवीएम पर एनओसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के वकील कल यानी कि सोमवार को अपना अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल ईवीएम की खरीद ECIL से की जानी है। इसको लेकर के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अनापत्ति पत्र मिलने के बाद ही खरीद कर पाएगी, जिसके बाद आपको बता दें कि आयोग ने पंचायत चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली है, मगर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है, जिसके आने के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी जाएगी। राज्य में छोटे पैमाने के खाद्य संस्करण यूनिट लगाने में बढ़ रही है लोगों की रुचि। राज्य में मखाना, केला, मशरूम जैसे छोटे स्तर पर खाद्य संस्करण यूनिट को स्थापित करने में लोगों की रुचि बढ़ रही है। इसके तहत बड़ी संख्या में निवेशकों ने कृषि विभाग को यूनिट लगाने की मौखिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ऐसे निवेशकों को आगे किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको देखते हुए कृषि विभाग भी तैयारी कर रहा है। इसके तहत राज्य स्तर पर उद्यान निदेशालय की राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान को जिला नोडल पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स कनेक्ट वेबिनार शुरू किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना एवं एक जिला एक उत्पाद से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से होगा ऑनलाइन आवेदन। बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए होने वाली बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए आज 11 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन को बिना विलंब शुल्क के 7 मई तक लिया जाएगा। वहीं 8 से 10 मई तक ₹500 विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार्य होगा।
बिहार में अगले 24 घंटे आंधी बारिश की चेतावनी। राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने दोतरफा हवाओं की स्थिति रहने के कारण अगले 24 घंटे में आंधी बारिश की संभावना जताई है। इसके तहत मौसम विज्ञान केंद्र पटना एहतियातन येलो अलर्ट जारी कर रहा है। सूबे में शुष्क पश्चिमी हवा और नमी युक्त पूर्वी हवा से गरज वाले बादल बने रहे हैं। इसके साथ ही बिहार और इसके आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिस कारण पटना सहित पश्चिमी जिलों में आंधी बारिश की संभावना बनी है। हालांकि आज रविवार के बाद से कुछ भागों में पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ सकता है, जिसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए आज से होंगे स्क्रूटनी आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाल ही में मैट्रिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी किया है। वहीं कई परीक्षार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें कॉपी में कम नंबर दिए जाने की शिकायत है, जिसे दूर करने के लिए ही बोर्ड आज से एक और मौका अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए दे रहा है। इसके तहत आज से स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षार्थी को जिस भी विषय में अपेक्षा से कम अंक मिलने की बात लग रही है, उन विषयों में स्क्रूटनी के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए परीक्षार्थी 11 से 17 अप्रैल के बीच बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट boardonline.bihar.gov.in पर जाकर स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं। सभी काम ऑनलाइन होंगे और विषयवार इसके लिए शुल्क भी देना होगा। बिहार सरकार ने किया केंद्र से 15 लाख अतिरिक्त कोविड वैक्सीन की मांग। देश भर में वैक्सीनेशन का काम जारी है, मगर इस बीच कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शुक्रवार को बिहार सरकार की मांग के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की 9 लाख डोज मुहैया करवाई गई थी। वहीं अब एक बार फिर से बिहार सरकार ने 15 लाख अतिरिक्त वैक्सीन की मांग केंद्र सरकार से की है। इसके तहत एक पत्र भी केंद्र को लिखा गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने 15 लाख और ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यमृत ने कहा है कि राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं और 9 लाख डोज पहुंच गए हैं, जिसकी पूर्ति हर जिले में की जाएगी। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी में जुटी राज्य सरकार। देश के कई राज्यों में कोरोना केसेस को देखते हुए प्रवासी मजदूरों की बड़ी खेप रोज बिहार पहुंच रही है। पिछले बार की परेशानी से सबक लेते हुए सरकार इस बार हर मोर्चे पर पहले से ही तैयारी पूरी रखने में जुटी हुई है। इसके तहत गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभाग गांव के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने सभी विभागों को अपने यहाँ रोजगार के अधिक से अधिक इंतजाम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे लोग यहाँ आएंगे, उन्हें जरूरत या स्किल के मुताबिक रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में खासतौर से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों से रोजगार तैयार करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान बाहर से आए कोई भी प्रवासी मजदूर अगर रोजगार मांगेंगे तो उनसे फॉर्म भरवाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन समेत अन्य प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, के लिए बाद में घोषणा की जाएगी। परिवहन विभाग के आदेश के बाद भी पटना एमवीआई के खिलाफ नहीं शुरू हुई जांच। राजधानी पटना के डीटीओ दफ्तर से बीते दिनों कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी, जिसके अनुसार दफ्तर ने वैसी गाड़ियों का भी निबंधन कर दिया था जिसे कंपनी ने बनाई ही नहीं थी। इसके बाद एक और खुलासे के तहत पटना के मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन ऑफिसर मृत्युंजय कुमार सिंह ने भी दूसरे जिले के थाने में जब्त गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। इस मामले में आरोपों को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने पिछले महीने 19 मार्च को ही विस्तृत जांच करने का आदेश दिया था, मगर 15 दिनों के अल्टीमेटम के बाद भी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, जिसके बाद अब जांच अधिकारियों ने बहुत जल्द जांच रिपोर्ट को विभाग को भेजने की बात कही है। ग्रामीण कार्य विभाग के 29 ठेकेदारों पर की गई सख्त कार्रवाई। राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद आनंद फानन में 29 ठेकेदारों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख ने 3 कार्य प्रमंडलों ढाका, मोतिहारी और रक्सौल के कुल 29 सड़कों के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की है। सभी संवेदकों के इकरारनामे को रद्द कर दिया गया है और निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है। विभाग ने इन ठेकेदारों को सड़क निर्माण का काम अलॉट किया था, लेकिन संवेदक काम नहीं कर रहे थे। इसकी शिकायत ढाका के भाजपा विधायक ने विभाग से की थी, जिसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख ने सभी 29 संवेदकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनसे निविदा को खत्म कर दिया। अब पुराने मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगवाने में नहीं देना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर लगवाने में लोगों को अलग से कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। अगर किसी उपभोक्ता ने पहले वाले मीटर को लगा रखा है तो इसकी सिक्योरिटी मनी की राशि को स्मार्ट मीटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बता दें कि बिहार विद्युत नियामक आयोग ने यह बड़ी राहत दी है, जिसके तहत राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त बोझ नहीं लगेगा। इसके तहत अब उपभोक्ता बेफिक्र होकर स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। नए नियम में 1 अप्रैल से मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को 3% की रियायत भी मिल रही है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की तरफ से उपभोक्ताओं को ये सारी रियायत दी जा रही है।
अगलगी से निपटने के लिए सरकार की है पूरी तैयारी। गर्मियों के सीजन में अगलगी की काफी घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और खेतिहर लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसको देखते हुए आपदा से पहले ही बिहार सरकार तैयार है। इसके तहत अग्निशमन सेवा ने SOP तैयार किया है, जिसके साथ ही राज्य भर में अगलगी से निपटने को एहतियातन 702 वाहनों को तैयार रखने की बात कही गई है। ये दमकल गाड़ियां सूचना मिलते ही बिना देर किए घटनास्थल की तरफ रवाना हो जाएंगे। सभी वाहनों में चालकों एवं रिजर्व चालकों की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही फायर सर्विस की DG शोभा अहोतकर ने बताया है कि सभी जिलों में अगलगी के संवेदनशील इलाके को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां फायर टेंडर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मौके पर जल्द पहुंचने के लिए रोड मैप भी बनाया गया है। दिल के मरीजों का इलाज होने के बाद अभिभावकों ने सरकार से कहा शुक्रिया। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। बिहार सरकार के इस खास योजना के तहत कई बच्चे इलाज के बाद वापस बिहार पहुंच गए हैं। वापस लौटे बच्चों का स्वागत खुद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने किया है। इस मौके पर अमृत ने घोषणा किया था कि दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों के दूसरे बैच को जल्द ही गुजरात भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 दिनों में पहले आज के 14 बच्चे सकुशल इलाज करवाकर पटना पहुंच चुके हैं। वहीं एक बच्चे को एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल में ही रोक लिया गया है, बाकी 6 और बच्चों का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। कोरोना के माहौल में दवा भंडारण के लिए राज्य सरकार ने जारी की राशि। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में संक्रमण के रोकथाम, कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज और वैक्सीनेशन, तीनों मोर्चों पर सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु दवा भंडारण के लिए 8,85,81,944 राशि की व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन दवाओं से कोरोना के प्रसार को कम करने में मदद मिलेगी। बिहार के सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में बनाया जाएगा ग्रीन कैंपस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को अब बिहार के सभी सरकारी विद्यालय समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रभावी तरीके से लागू करने की योजना पर काम हो रहा है। इसके तहत राज्य के सभी विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों में ग्रीन कैंपस विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षण संस्थान के आसपास के इलाकों को भी ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके तहत 1.5 करोड़ पौधारोपण का काम किया जाएगा। जिसके तहत आपको बता दें कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की मदद से शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षण संस्थान में ग्रीन कैंपस विकसित करने का काम जून से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले 3 अगस्त को जल जीवन हरियाली दिवस भी मनाया जाएगा। बिहारी लड़के के इलाज में सोनू सूद ने दिखाई दरियादिली। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को यूं ही लोग मसीहा नहीं मानते हैं। दरअसल इस बार सोनू सूद ने बिहार के सुपौल निवासी विजेंद्र की मदद कर अपनी दरियादिली को जग जाहिर किया है। विजेंद्र आर्मी की नौकरी करना चाहता था, लेकिन उसके कान में कुछ समस्या हो जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे कान के ऑपरेशन करने की सलाह दी थी, जिसके बाद इलाज के लिए विजेंद्र ने सोनू सूद से ट्वीट के जरिए मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अभिनेता ने अपनी टीम को उसकी मदद के लिए लगाया और ट्वीट कर कहा कि अब आपको सब कुछ सुनाई देगा दोस्त, आपका काम हो गया है। मतलब हो कि बीते दिनों एक्टर के नाम पर बिहार के ही एक युवक को ठगबाजी के आरोप में पकड़ा गया था, तो वहीं सोनू सूद ने भी मामले को तवज्जो ना देते हुए अपना काम जारी रखकर अपने सकारात्मक अंदाज का परिचय दिया था। पूर्व मध्य रेलवे चलाएगी 28 स्पेशल ट्रेन। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ और बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 28 और नए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का ऐलान किया है। इसके तहत पूर्व मध्य रेलवे के GM ने कहा है कि मुंबई से बिहार आने के लिए ट्रेन की कोई कमी नहीं है। इससे पहले 17 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है और अब 28 विशेष ट्रेनों का परिचालन भी किया जाएगा। इनमें से अधिकांश ट्रेनें पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों तक आएंगी, जबकि कुछ ट्रेनें पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों पर रुकते हुए अपने गंतव्य तक आएगी। साथ ही GM ने बाहर जाने या फिर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेल यात्रा के संबंध में किसी प्रकार की आशंका न पालने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि रेलवे के द्वारा पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, इसके लिए लोगों को आशंका करने की जरूरत नहीं है। बिहार से उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड के लिए बनेगी नई सड़कें। बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड से सीधी नई कनेक्टिविटी के 4 प्रस्ताव को पथ निर्माण विभाग ने NH डिवीजन के नए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया है। इसके तहत कुल 2,470 करोड़ रूपये की योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच कई अन्य सड़कों से बिहार की सीधी कनेक्टिविटी है, पर इन सड़कों के अस्तित्व में आने के बाद नई कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें यूपी से सीधी कनेक्टिविटी के 2 नए प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिए गए हैं।
मॉनसून से पहले पटना सहित सभी बड़े शहरों को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। नगर निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करने से पहले प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर नगर निकायों का भू अभिलेख मांगा गया है। इसको लेकर नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी आयुक्तों और डीएम को पत्र जारी किया है और भू अभिलेख की छायाप्रति संबंधित नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब नगर निकायों के सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सिवरेज और पार्क की जानकारी मांगी गई है, जिससे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी जा सके। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। ऋषिकेश में स्टील के तारों से बना लक्ष्मण झूला 1930 में जनता के लिए आज के दिन से खोला गया था। भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी को साल 2000 में उनकी पहली रचना इंटरप्रेटर ऑफ मेले डिजीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार आज के दिन दिया गया था। भारत के महान विचारक, समाजसेवी तथा क्रांतिकारी ज्योति बा फूले का 1827 में जन्म आज के दिन हुआ था। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का 1869 में जन्म आज के दिन हुआ था। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले युवा क्रांतिकारियों में से एक अनंत लक्ष्मण कन्हेरे का ने आज के दिन 1910 में दुनिया को अलविदा कहा था। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु ने 1977 को आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। आज एक दूसरे से भिड़ेगी हैदराबाद और कोलकाता की टीम। पूर्व चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स रविवार को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ होने वाले आईपीएल मैच में टीम के अंदर उचित संतुलन तैयार करके अपने अभियान का सफल आगाज करने की कोशिश करेगी। केकेआर की अगुवाई इस बार सीमित ओवर के सबसे सफल कप्तानों में से एक इयान मॉर्गन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले सत्र में संयुक्त अरब अमीरात में दिनेश कार्तिक से टूर्नामेंट के बीच में कप्तानी संभाली थी। पिछले सत्र में केकेआर के सनराइजर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के समान अंक थे। केकेआर हालांकि रन रेट में पिछड़ गया और लगातार दूसरी बार प्ले ऑफ में जगह नहीं बना पाया था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,700 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,700 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,000 रुपए था। अगर हम पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.53 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 85.53 रुपए प्रति लीटर था। व्हाट्सएप लेकर आया है ये बड़ा अपडेट। सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप एक बड़े अपडेट के साथ अपने वेब वर्जन के यूजर के लिए गुड न्यूज लेकर आई है। इसके तहत अगर आप भी ऑफिस या घर में व्हाट्सएप के वेब वर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जान लीजिए। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर के लिए शॉर्ट कीज लेकर आई है। इस शॉर्ट कीज के माध्यम से आपका काम और आसानी से हो सकता है। इसको लेकर व्हाट्सएप ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उसने अपने शॉर्टकट कीज को शेयर किया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कीज के बारे में तो फिर अब आप उन्हें नेट पर सर्च कर उसका उपयोग व्हाट्सएप वेब में ही कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अदिति गुप्ता, रवि कुमार, पिंटू जी, मोहम्मद शहीद, नंदिनी सिंह, विनोद कुमार, भूषण कुमार, अंशुल सिंह, रामपाल यादव, संजीव कुमार, चंदन कुमार शर्मा, रिया, शांति कुमारी, राकेश कुमार, प्रभु कुमार, धनंजय पासवान, आलोक रंजन, विजयराज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोरोना के बढ़ते माहौल को देखते हुए 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीकाकरण की अनुमति देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।